Hey, क्या हाल आप सब लोग का। आज हम लोग देखने वाले हैं क्विक लेसन और क्विक वीडियो ऑन थ्री स्ट्रमिंग पैटर्न्स जो थोड़े से इंडियन साउंड करते हैं। आई एम लाइक यार, अगर ये इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न है एंड व्हेन द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आर काइंड ऑफ लाइक मोल्डेड इनटू और अडेप्टेड टू द इंडियन स्टाइल, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आता है। एंड द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ द वायलिन। जब एक वायलिन को कर्नाटिक क्लासिकल में कोई बजाता है, नोबडी कुड हैव थॉट दैट द वायलिन कुड हैव बीन प्लेड और यूज्ड इन दैट वे, राइट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। और इसलिए आज मैंने सोचा कि यार, ये गिटार जो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, इस पर थोड़ा सा इंडियन काइंड ऑफ रिदम्स या इंडियन पैटर्न्स कैसे बजा सकते हैं, राइट? सो मेरे दिमाग में सबसे पहले तीन यही स्ट्रमिंग पैटर्न्स आए, तो मैं यही तीन आपको बता रहा हूँ। और मेरे दिमाग में ऐसे नेसेसरली हर स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए गानों के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। अगर हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बट इफ़ यू गेट रिमाइंडेड ऑफ अ सॉन्ग बाई लिसनिंग टू सम स्ट्रमिंग पैटर्न, देन लेट अस नो इन द कॉमेंट्स, राइट? लेट्स ड्राइव इन टू द फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न। वो था जो मैंने शुरू में बजाया। इट साउंड्स लाइक सो लारे करके एक गाना है। द ओनली सॉन्ग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज दैट सॉन्ग जिसमें ये काइंड ऑफ ये वाली रिदम यूज हुई है। और ये स्ट्रमिंग पैटर्न काइंड ऑफ एम्युलेट्स दैट काइंड ऑफ अ रिदम। और इसमें हम अगर थोड़ा सा और डीप जाएं, व्हाट्स रियली हैपनिंग इज दैट आई एम प्लेइंग अ डाउन एंड देन एक ग्रुप तो ये डाउन स्ट्रोक है एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड ग्रुप विल बी द विच इज एन अप chuck or a mute and then a downstroke, right? So ye tha second part and when you put it all together, that's how it sounds. What I like to do is, of course, when I finish the strumming pattern, main mute wapas kar deta hu to just cut the sound, right? It sounds a little more clear and precise in that way. नाउ यही सेम स्ट्रमिंग पैटर्न्स की जब आप साइकिल्स बजाते हैं, वापस लूप में बजा रहे होते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल और द फर्स्ट लूप एंड व्हेन यू प्ले इट अगेन, वो दोनों के बीच में आई लाइक टू फिल दैट गैप विद थ्री डाउन स्ट्रोक्स। सो एज यू कैन सी कि वो जो गैप वाले स्ट्रोक्स हैं, द फिलर स्ट्रोक्स, उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, विच इज़ टू मूव अप बाई नोट्स और टू यूज सम डिफरेंट नोट्स टू काइंड ऑफ गो इन टू द नेक्स्ट कॉर्ड। अ वेरी सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न और वो सुनने में भी अच्छा लगता है। दैट वॉज ए फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न। अगर आपको गिटार सीखना है एंड यू आर लुकिंग फॉर गिटार कोर्सेज दैट विल हेल्प यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल एंड अचीव योर गिटार गोल्स, देन चेक आउट माई वेबसाइट gauravsharmamusic.com वेर यू विल फाइंड गिटार कोर्सेज फॉर ऑल लेवल्स फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट। एंड माई लेटेस्ट गिटार कोर्स इज कॉल्ड सुपर 30 वेर यू विल गेट गिटार लेसन्स फॉर 30 क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग्स। लेट्स डाइव इन टू द सेकेंड वन। दैट साउंड्स समथिंग लाइक दिस। सो ये अगेन एक आई थिंक काइंड ऑफ कॉमन इंडियन पैटर्न जैसा एक रिदम साउंड करता है। आई एक्चुअली हियर दिस रिदम इन अ लॉट ऑफ इंडियन सॉन्ग्स। द फर्स्ट सॉन्ग दैट कम्स टू माई माइंड इज समथिंग सिमिलर टू शुक्रानला। शुक्रानला में जो रिदम है वो काइंड ऑफ ऐसा ही रिदम है, राइट? So again, that is a song which has a rhythm which is very common in a lot of Indian songs. तो ये जो strumming pattern है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। मैं आपको main part तो बता देता हूँ कि mainly मैं क्या बजा रहा हूँ, but I like to kind of keep playing around and keep adding a few strokes here and there.
But mainly what is happening is that I'm starting with a downstroke. After a very small gap, I play the up and then mute, right? और वो डाउन अप म्यूट के बाद में आई एम प्लेइंग डाउन अप म्यूट एंड द फर्स्ट डाउन अप इज वेरी स्मॉल और वो सिर्फ इतने से एक डिस्टेंस में ही मैं खत्म कर रहा हूं. आई एम नॉट प्लेइंग द होल गिटार, राइट. Now when you differentiate these frequencies, जब आप अपने bass strings को अलग और treble strings को जब आप अलग बजाते हैं, that actually gives you a lot more opportunity to play around and make these strumming patterns even more authentic. That was your second strumming pattern. Now let's move on to the third one. ये of course मेरा favorite है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है. And this is a strumming pattern that I use in Gulabi Aankhein. This is how it sounds. बहुत ही एक ग्रूवी स्ट्रमिंग पैटर्न जो ये गुलाबी आंखें जैसे गानों में बहुत फिट होता है एंड इट मेक्स द लिसनर एंड ऑल्सो यू द प्लेयर काइंड ऑफ गेट मोर इनटू द सॉन्ग, ग्रूव विद द सॉन्ग, राइट. तो अगेन सो इसमें मैं बजा रहा हूँ अ डाउन विच इज सेपरेट, वी गोइंग टू ग्रूप दैट एज अ सेपरेट थिंग. एक डाउन अलग से बजेगा एंड द सेकेंड पार्ट विल बी एन अप म्यूट up down. So up mute up down, down up mute up down, right. If you play that again one more time and then second cycle mein you will not start with that downstroke but you will just play the second part of that strumming pattern jo tha up mute up down. So when you play both of them together it will sound और ये था आपका पूरा एक स्ट्रमिंग पैटर्न का साइकिल. सो यू विल स्टार्ट विद द डाउन स्ट्रोक, अप म्यूट अप डाउन, अप म्यूट अप डाउन एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट विद द डाउन स्ट्रोक. इनसेन. So I just wanted to quickly share these three interesting strumming patterns that I kind of use in my playing sometimes. Try playing this and have fun.